गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो प्यारे बच्चों? आपको पता है आज हमारी किस चीज की क्लास है? आज हमारी स्टोरी की क्लास है। और ये देखो, आज आपकी क्लास में कौन आया है? मंकी और क्रोकोडाइल। आज मैं आपको मंकी एंड क्रोकोडाइल की स्टोरी सुनाऊंगी। तो चलो आप सब ध्यान से सुनना, हम स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल था, उसमें एक नदी थी, उसमें बहुत सारा पानी था और उस नदी के पास एक एप्पल ट्री था और उस एप्पल ट्री पर एक मंकी रहता था। बच्चों, आपने मंकी देखा है जो एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप करता है? तो वो उस ट्री पर रहता था और खूब मज़े से एप्पल्स खाता था। एक बार की बात है, वहाँ नदी में एक क्रोकोडाइल आया। वो नदी में घूम रहा था, देखा कि वाओ, एप्पल ट्री, इतने एप्पल्स लग रहे हैं, पर वो उन एप्पल्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने देखा कि उस एप्पल ट्री के ऊपर एक मंकी है। उसने सोचा कि मैं चलो इस मंकी से फ्रेंडशिप कर लेता हूँ और फिर इससे एप्पल मांगूँगा। वो वहाँ पर उसी पेड़ के पास बार बार घूमने लगा। तो वहाँ पर मंकी ने देखा और पूछा, अरे क्रोकोडाइल भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे आए हो यहाँ पर? तो क्रोकोडाइल ने कहा, मैं यहाँ पर घूम रहा था और मुझे घूमते घूमते बहुत भूख लग रही है, मुझे क्या तुम थोड़े से एप्पल्स दे सकते हो? तो उसने कहा, मंकी ने बोला, यस यस ऑफ कोर्स, मैं आपको एप्पल ज़रूर दूंगा। तो उसने मंकी ने क्या किया, वहाँ से ट्री से एप्पल्स तोड़े और नदी में डाल दिए और क्रोकोडाइल ने आकर वो एप्पल खा लिए। फिर वो क्रोकोडाइल वहाँ पर हर रोज़ आने लगा और वो दोनों, मंकी और क्रोकोडाइल, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर क्या हुआ, एक दिन क्रोकोडाइल जब मंकी के पास आया तो मंकी ने उसने क्रोकोडाइल ने कहा कि आज तो मेरे घर पर कुछ भी नहीं है और मेरी वाइफ ने खाना भी नहीं बनाया, क्या तुम ज़्यादा एप्पल दे सकते हो कि मैं अपनी वाइफ को भी वो एप्पल्स खिला दूँ? तो मंकी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं दोस्त, ये लो। और उसने बहुत सारे एप्पल्स क्रोकोडाइल को दे दिए और उसने नदी में डाल दिए वो, और क्रोकोडाइल उन एप्पल्स को लेकर अपने घर चला गया। फिर वो क्रोकोडाइल अपनी वाइफ के लिए एप्पल लेके आया तो उसकी वाइफ ने देखा कि क्रोकोडाइल आया है। उसने पूछा, अरे क्रोकोडाइल, ये क्या लेके आए हो तुम? तो क्रोकोडाइल बोला, मैं तुम्हारे लिए यम्मी यम्मी एप्पल्स लेके आया हूँ। तो फिर उसकी वाइफ ने वो एप्पल खा लिया, उसे वो एप्पल बहुत टेस्टी लगा। तो वो बोली, वाओ ये तो बहुत यम्मी है, मुझे ये एप्पल बहुत पसंद आए, कहाँ से लेके आए हो ये एप्पल्स? तो फिर क्रोकोडाइल बोला, मैं ये एप्पल्स अपने फ्रेंड से लेके आया हूँ, वो एक एप्पल ट्री पे रहता है। तो फिर उसकी वाइफ बोली, अच्छा वो मंकी एप्पल ट्री पे रहता है, फिर तो वो रोज़ बहुत सारे एप्पल्स खाता होगा। तो फिर वो बोली, क्रोकोडाइल बोला, हाँ हाँ वो तो बहुत एप्पल्स खाता है, बहुत मस्ती करता है, हम दोनों रोज़ बहुत सारे एप्पल्स खाते हैं। तो फिर वो कहने लगा कि तुम्हें अच्छे लगे
तो फिर उसकी वाइफ बोली, हाँ मुझे तो बहुत पसंद आया ये एप्पल, और वो जो मंकी है ना, जो रोज़ ये इतने सारे एप्पल खाता होगा, इतने यम्मी यम्मी, इतने मीठे, तो उसका तो दिल भी बहुत मीठा होगा, मुझे तो उसका दिल खाना है। तो वो बोला क्रोकोडाइल, ये क्या कह रही हो तुम, अगर मैं अपने फ्रेंड का दिल लेके आऊँगा तो वो मर जाएगा। तो फिर उसकी वाइफ बोली, नहीं नहीं मुझे तो उसका दिल ही चाहिए, मेरे लिए तो उसका दिल लेके आओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। फिर क्रोकोडाइल कहता, अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ, और वो क्रोकोडाइल वहाँ से चला गया। फिर वो क्रोकोडाइल वापस उसी एप्पल ट्री के पास पहुँचा, और वो फिर कहने लगा अपने फ्रेंड को, मंकी ओ मंकी फ्रेंड, वेयर आर यू, कहाँ हो तुम। तो मंकी ट्री से थोड़ा नीचे आ गया, उसने कहा, हाँ हाँ दोस्त क्या हुआ। तो फिर क्रोकोडाइल बोला, अरे तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तो फिर मंकी बोला, गुड न्यूज़, कैसे गुड न्यूज़। तो फिर क्रोकोडाइल बोला, आज मेरी वाइफ ने तुम्हें लंच पे इनवाइट किया है, उसने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, कल तुमने उसके लिए एप्पल दिए थे ना, वो बहुत खुश हुई, और फिर आज तुम्हें लंच में बुलाया है। तो मंकी कहने लगा, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो तैरना ही नहीं आता दोस्त। तो क्रोकोडाइल बोला कि कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना और मैं तुम्हें लेके चला जाऊंगा। और फिर मंकी जंप करके क्रोकोडाइल के ऊपर बैठ गया, और क्रोकोडाइल भी पानी में तैरता हुआ चलने लगा। चलते चलते उसने क्रोकोडाइल ने कहा, मंकी मंकी असली बात तो ये है कि मेरी वाइफ को तुम्हारा दिल बहुत पसंद आया, और वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। एकदम से मंकी तो शॉक्ड हो गया, कहने लगा, हाँ ये क्या कह रहे हो तुम दोस्त। तो फिर क्रोकोडाइल कहता, हाँ हाँ आज तो हम लंच में तुम्हें ही मार के खाएंगे। तो फिर मंकी बोला, अरे दोस्त पहले बताना था, दिल तो मैं ट्री पर ही छोड़ आया, चलो अब मैं क्या करूं, वो दिल तो नहीं खा पाएगी मीठा मीठा। तो फिर क्रोकोडाइल बोला, कोई बात नहीं हम वापस ट्री पर चलते हैं, तुम्हारा दिल ले आते हैं। वो वापस उस ट्री के पास चलने लगा, और जैसे ही ट्री के पास पहुंचा, मंकी झट से कूद के ट्री के ऊपर बैठ गया। और फिर क्रोकोडाइल बोला, अरे दोस्त दिल मिल गया। उसने कहा, दिल मिल गया, मैं तुमसे बिल्कुल फ्रेंडशिप नहीं रखूँगा, तुम मुझे मारना चाहते थे, मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त, मैं तुम्हें हर रोज़ एप्पल्स खिलाता, और तुम मुझे मारना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं रखूँगा। और वो क्रोकोडाइल उदास होकर वहाँ से चला गया। जो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, हमने इस स्टोरी से सीखा कि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, जो हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए, उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए, और अपनी सारी चीज़ें उनसे शेयर करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी, अच्छी लगी, मज़ा आया आपको। अब मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए एक बहुत मज़ेदार स्टोरी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।